नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू माय चैनल सामंस तवा फ्राई। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक टी टाइम स्नैक्स। बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल प्योर वेज है। इसमें ऑनियन या गार्लिक का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। तो ये बनता है बेसन और सूजी से। वीडियो देख लीजिएगा, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना फिर इसको। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप सूजी, फिर आधा कप बेसन, एक टीस्पून करीब सॉल्ट, एक टीस्पून चिली फ्लेक, एक टीस्पून अजवाइन, एक टीस्पून भुना जीरा पाउडर, एक टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर और फिर 3 टेबलस्पून करीब मैंने डाला है यहाँ पे कसूरी मेथी। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं पहले। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ करीब 2 टेबलस्पून दही। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है आप दही को स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शनल है। लेकिन दही डालने से ये खट्टा थोड़ा होता है तो अच्छा लगता है। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाएंगे और इसका एक पतला सा घोल बनाएंगे। एक साथ पानी मत मिला दीजिएगा क्योंकि लम्ब्स पड़ जाता है इसमें। तो ये देखिए हमने पतला सा एक घोल बना दिया है, एकदम पतला है घोल। अब हम इसको फ्राई करना है हमको। तो चलिए कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है करीब 2 टेबलस्पून ऑयल और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून करीब हींग। उसमें हमको डालना है ये वाला घोल और घोल डाल के इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से हमको पकाना है और बराबर चलाते रहना है वरना लम्स बन जाएगा। तो ये हमको थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, ये मुझे करीब 10 मिनट लगा है ये बनाने में। ये डो की तरह बनाना है हमको। ये देखिए ये काफ़ी थिक हो चुका है अभी। ये देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी होने के बाद हमको इसको निकालना है एक प्लेट में। तो प्लेट में हम इसको निकाल के थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए देते हैं, छोड़ देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अभी साइड में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, मैं हाथ में अपना ऑयल लगा के उसको थोड़ा सा मिला रही हूँ अपना डो को। तो ये डो अच्छे से हमको मिलाना है पहले। ये अच्छे से होने के बाद फिर इसको हमको शेप देना है। मैं यहाँ पे छोटा छोटा बॉल्स बना रही हूँ इसका। अगर आप चाहें तो इसका राउंड शेप भी दे सकते हैं, कोई भी कटलेट शेप दे सकते हैं, लंबा वाला शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा बॉल्स बना रही हूँ और फिर इसको हमको फ्राई करना पड़ेगा। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है तैयार फ्राई हो के। ये देखिए ऐसे मैंने सारा का सारा बॉल्स बना के यहाँ पर रख लिया है। तो अभी चलते हैं हम फ्राई करते हैं। और इसको भी फ्राई करने के लिए ऑयल को हमको मीडियम हीट के ऊपर ही लाना है। तो इसको डालने के बाद थोड़ी देर ऐसा कढ़ाई को हम हिला लेते हैं कि चारों तरफ इसका ऑयल चारों तरफ आ जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको पलटा देंगे और ये जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन करीब हो चुका है ये और हमारा रेडी हो चुका है नाश्ता, टी टाइम स्नैक्स। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ऐसे ही सारा का सारा हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ये वाला नाश्ता आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि कैसा रहा ये। और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा अगले नई रेसिपी के लिए। आज के लिए बस इतना ही। चलिए बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।